फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल अन्ना का यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि यदि आप भी शाकाहारी हैं और विटामिन B12 की कमी से जूझ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए शरीर में विटामिन B12 की कमी के वजह से बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मांसाहारी लोगों के लिए विटामिन B12 के अनेक स्रोत हैं, लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए इसके बहुत कम आप कह सकते हैं सोर्सेज हैं। और यही कारण है कि शाकाहारी लोगों में इस विटामिन की कमी सबसे अधिक देखने को मिलती है। अगर आप एक संतुलित आहार को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से विटामिन B12 प्राप्त कर सकते हैं और समय रहते शरीर में विटामिन B12 की कमी को पूरा नहीं किया तो बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जानेंगे कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या असर पड़ता है। देखिए शरीर के लिए बहुत सारे विटामिन ज़रूरी होते हैं, खासकर विटामिन जो B12 होता है ये शरीर की तंत्रिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके नर्व्स, ब्लड सेल, DNA को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में इस विटामिन को अपने आहार में प्राप्त नहीं करते हैं तो इससे शरीर में खून की कमी के साथ ही साथ नर्वस सिस्टम के कार्य में रुकावट पैदा हो सकती है, साथ ही साथ सेहत पर भी बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब क्या क्या हो सकता है, लोगों को बहुत अधिक थकान सुस्ती महसूस कर सकते हैं, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, भूख कम लगेगी या चीज़ों पे फोकस कम होगा। इसके अलावा तनाव, चिंता, अवसाद से ग्रसित हो सकते हैं। कुछ लोगों को पर्याप्त नींद लेने में कठिनाई आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है या चलने में भी परेशानी होती है। इसके अलावा कुछ लोगों को विटामिन B12 की कमी से पाचन की गड़बड़ी देखी जाती है और कुछ लोगों की त्वचा इसकी कमी से पीली पड़ जाती है। तो आज बात करेंगे कि शाकाहारी लोग विटामिन B12 को कैसे अपने शरीर में पूरा करें। देखिए सबसे पहला चीज़ होता है दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ। दूध को आयुर्वेद में वैसे भी एक संपूर्ण आहार माना गया है, दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें सिर्फ विटामिन B12 ही पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं होता बल्कि प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D जैसे भरपूर पोषक तत्वों से भरा होता है। तो शाकाहारी लोगों को दूध और दूध से बनी चीज़ें जैसे दही हो गया, इसके अलावा छाछ हो गया, पनीर हो गया, इन सब का सेवन करना चाहिए। और इन सब को यदि आप डेली डाइट में 1 से 2 बार शामिल करते हैं तो विटामिन B12 की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा टेम्पे एक चीज़ होती है जो कि फर्मेंटेड सोयाबीन से तैयार की जाती है। ये बेहद स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, ये काफ़ी हद तक टोफू की तरह होती है। टेम्पे विटामिन B12 का बहुत अच्छा स्रोत है, साथ ही इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जिंक आदि पाए जाते हैं। इसका सेवन आप करी में, सूप में डालकर भी कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्टिफाइड फूड्स जो होते हैं, अब फोर्टिफाइड फूड्स जो होते हैं उनमें भी विटामिन B12 मिलाया जाता है। फोर्टिफाइड जो चावल होते हैं, दलिया, इन चीज़ों को आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन B12 का एक बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है। अगर भारत सरकार की बात की जाए तो भारत सरकार ने 2024 तक मिड डे मील में बांटने वाले अनाज को भी फोर्टिफाइड करके बांटने का फैसला लिया है। तो आप समझ सकते हैं फोर्टिफाइड अनाज वाले जो ब्रांड हैं आपको ईजिली मिल सकते हैं मार्केट में, आप उनका प्रयोग करें, ये विटामिन B12 की कमी को बहुत जल्दी पूरा कर देगा। इसके अलावा न्यूट्रिशनल जो यीस्ट होते हैं, देखिए विटामिन B12 यीस्ट में बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके लिए आपको एक बड़े चम्मच लगभग 2.4 mcg के आसपास विटामिन B12 इसमें मौजूद होता है और आप कई व्यंजनों में यीस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने स्नैक्स पर इसको छिड़क कर सेवन कर सकते हैं, सॉस, करी, मिर्च, इन सब में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जितने भी ऐसे फूड जो कि किसी भी चीज़ को फर्मेंट करके बनाया जाता है, जैसे कि आपकी मूंग की जो मूंग होती है, साबुत मूंग, उसको यदि आपने फर्मेंट किया, या मेथी दाना हो गया, या आपने डोसा जो बनाते हैं यदि आप उसको फर्मेंट करके बनाते हैं तो उसमें भी काफ़ी हद तक विटामिन B12 पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। इसके अलावा इन चीज़ों को शामिल करने के बाद भी यदि आपको विटामिन B12 की कमी हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लें। शाकाहारी लोगों को इन डाइट को शामिल ज़रूर करना चाहिए और आप अगर फिर भी कमी हो तो अपने डॉक्टर्स की सलाह पर कोई सप्लीमेंट आप ऐड ज़रूर कर लें तो आपके शरीर की बहुत सारी समस्याओं को ये
दूर करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए इस मित्रों से शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।